फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है चॉइस ऑफ कंज्यूमर। मतलब जब जब उपभोक्ता चयन करता है तो किन किन चॉइस को इफेक्टिव करता है, किस बातों को ध्यान में रखकर वो इसका यूज़ करता है। तो जैसे आपको फर्स्ट बताया था, कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर वो होता है जो वस्तुओं का उपभोग करके उनसे संतुष्टि प्राप्त करते हैं। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि वो बिजनेसमैन होते हैं और वे वस्तु खरीदते हैं, बट वो अपनी संतुष्टि के लिए नहीं खरीदते, वो अपने धन कमाने के लिए खरीदते हैं। तो ये भी एक इफ़ेक्ट होता है। तो कंज्यूमर भी आपके डिफरेंस होते हैं, बट आपका जो कंज्यूमर होता है जो उसका क्रय करता है और क्रय करने के बाद उसका उपभोग करके जो उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, वो उसका वो ही क्या होता है, वो उपभोक्ता होता है। और सच्चा उपभोक्ता वही होता है जो सच्चे अर्थ को समझे और उसके ही अकॉर्डिंग उसका उपभोग करें। तो जैसे आपकी फर्स्ट चॉइस है आय का आकार। ये क्या होता है, एक आय का आकार होना चाहिए। इनकम जो आपकी होती है वो आय होती है। तो आप आय को ध्यान में रखकर भी आप क्या करते हो, वस्तुओं का चयन करते हो। लो हाई मिडिल इनकम ग्रुप वाले तीनों ग्रुप के व्यक्ति होते हैं, तीनों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, उन पर इनकम भी अलग अलग होती है। किसी पे इनकम, हाई व्यक्ति जो होगा उस पर बहुत पैसा होता है, बहुत धन होता है, वो कुछ भी विलासिता आवश्यकताएं जो उनको आवश्यक नहीं होती है चीज़ें वो भी खरीद सकता है, और इसके अकॉर्डिंग वो हर चीज़ें खरीद सकता है, उसके आरामदायक वस्तुएँ भी खरीद सकता है। पर लो वाला व्यक्ति अपने इनकम के को ध्यान में रखकर ही अपने क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, अपने वस्तुओं का क्रय करता है, उसको वही वस्तु खरीद सकता है जो उसके इनकम के अकॉर्डिंग उसको आती है। कभी कभी जो लो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आवश्यकताएँ होती हैं उसको ही खरीद पाते हैं, जो भी उनकी वस्तुएं होते हैं। अदरवाइज जो कम जो उनकी आवश्यकताएं होती है वो नहीं खरीद पाते, तो वो सोचते हैं। मिडिल वाले व्यक्ति भी अपने आरामदायक वस्तु अपनी आवश्यकताओं की नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं, वस्तुएं खरीद सकते हैं, उनका उपभोग कर सकते हैं और उसके थ्रू उपभोग कर सकते हैं और उसके ही थ्रू वो वस्तुओं का चयन भी कर सकते हैं, चूज भी कर सकते हैं। तो जो आय का आकार होता है वो एक इफ़ेक्ट करता है हमारे, जब हम जो उपभोक्ता होता है उसके पास कितना धन है उसको ध्यान में रखकर ही वो वस्तुओं का चयन कर चूज़ करता है, चयन करता है। और यही क्या होता है, ये जब ही वो वस्तुओं को खरीद क्रय करता है, उसका उपभोग करता है, फिर उसका संतुष्टि उसको प्राप्त होती है। तो आय का हमारा इफेक्ट आता है क्योंकि आय हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और व्यक्ति आय के ही अकॉर्डिंग व्यय करता है। देन नेक्स्ट आती है विक्रय नीतियाँ। तो विक्रय नीतियाँ कैसे होती है, विक्रय नीति आप देखते हो कि जो उपभोक्ता होता है वो कैसे वस्तुओं के साइड को इफेक्टिव होता है, कैसे आकर्षित होता है। तो जो हमारे शॉप कीपर होते हैं, शॉप वाले होते हैं, इंडस्ट्री होती है, तो वो क्या करती है, वो कंज्यूमर को ध्यान में रखकर ही क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है। और वो ये भी ध्यान रखती है कि कंज्यूमर आपके आपकी वस्तुओं को कैसे अट्रैक्टिव हो सके वस्तुओं की साइड, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट क्या करते हैं, वो विज्ञापन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। लॉन्च में उसकी पिक वगैरह, फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, आपको क्या यूज़ आता है। जैसे फेयर एंड लवली है, तो फेयर एंड लवली अब ग्लो लवली बन गई है, तो ऐसे क्या हुआ, वो डिफरेंस आए, उन्होंने चेंजेस लाए क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग किया। देन उन्होंने इसमें ये भी देखा कि कैसे व्यक्ति अट्रैक्टिव होता है। तो कुछ कंज्यूमर क्या होता है, विज्ञापन के थ्रू भी वस्तुओं के लिए अट्रैक्टिव हो जाते हैं और वस्तु उपभोग करते हैं। देन फिर आता है पैकिंग। कुछ वस्तु ऐसी होती है पैकिंग में बहुत सुंदर दिखाई देती है, जिसे व्यक्ति का मन करता है अभी खरीद लिया जाए। तो इनकम के अकॉर्डिंग को ध्यान में रखते जो रीतियाँ होती हैं विक्रय रीतियाँ, तो उसमें पैकिंग वस्तुओं की ऐसी कर दी जाती है जिससे कि वो उसकी साइड को उत्सुक हो और वो उसको खरीद सके। तो पैकिंग करते टाइम वो इस चीज़ों को ध्यान में रखता है और पैकिंग करता है, और इसके ही अकॉर्डिंग वो आगे चल के अपनी वस्तुओं को बेचता है। और पैकिंग के थ्रू ही जो विक्रय रीतियाँ होती हैं और कंज्यूमर पैकिंग पर भी इफ़ेक्टिव होता है। तो कंपनी जो होती है वो इफ़ेक्टिव पैकिंग करती है, गिफ्ट वगैरह बड़े अच्छे से पैकिंग करती है जिससे व्यक्ति अट्रैक्टिव हो जाए। अन्य तरीके भी होते हैं उनके पास, वो एडवाइस के आपके विज्ञापन के थ्रू, पैकिंग के थ्रू, या आपको डिस्काउंट के थ्रू आपको वस्तुओं के लिए आकर्षित करती है कि 50 ऑफ चल रहा है या 80% ऑफ चल रहा है या 20% ऑफ चल रहा है, जिससे कि व्यक्ति अट्रैक्टिव हो जाते हैं और वस्तुओं को खरीदते हैं।
और वो किस्म के बारे में बताते हैं, उनकी क्वालिटी सब चीज़ें बताते हैं। क्वालिटी को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति वस्तुओं का क्रय करता है। देन नेक्स्ट आते हैं तकनीकी ज्ञान तथा वस्तुओं की उपलब्धता। जो कंज्यूमर होता है उसको तकनीकी ज्ञान होना जरूरी होता है, क्योंकि जो वस्तुओं को वो खरीदता है तो उसकी उसको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु वो कैसे खरीदता है, उसकी क्या उसके कितना व्यय कर सकता है, क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, उसको वो उसके यूज़ के लिए है या नहीं। तो उसे एक तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। जो भी वस्तु आप क्रय करते हो तो उसकी आपके पास उसकी आवश्यकता, उसकी नीड्स हैं आपको या नहीं है, आपको उसके अकॉर्डिंग नॉलेज चाहिए होती है। तो आपको बहुत से व्यक्ति को हर फील्ड की जानकारी होती है, तो ऐसे ही उपभोक्ता को हर फील्ड की भी और आपने जो वस्तु खरीद रहा है उसकी भी नॉलेज होने चाहिए। उसको अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि जो वस्तुएं ख़राब निकल जाती हैं तो वो कैसे उसका एक्शन ले सकता है। तो ये राइट्स का भी पता होना कंज्यूमर के लिए ज़्यादा जरूरी है। फोर्थ है आदतें और सामाजिक परंपराएं। कुछ कंज्यूमर की हैबिट्स होती हैं, कुछ आदतें होती हैं कि वो एक वस्तु का क्रय ज़्यादा करता है तो वो फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग या आपके वो अपनी आदत के अकॉर्डिंग। बहुत से व्यक्ति को ऐसा होता है कि उसे एक ब्लैक कलर ही पसंद होता है तो वो ब्लैक कलर हर वस्तुओं में देखना चाहता है, या आपके वो प्रिंटेड होती है या आप जैसे भी आपका मन पसंद। तो व्यक्ति की एक हैबिट बन जाती है किसी वस्तु को खरीदने में, या वो बहुत चीज़ें खा चॉकलेट बहुत व्यक्ति ज़्यादा खाते हैं तो वो क्या होती है उनकी एक हैबिट बन जाती है। और सामाजिक परंपराएं, वो सामाजिक रीति रिवाज जो होते हैं उनके भी इफ़ेक्ट करता है। जो आपके रीति रिवाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको चूज़ करना चाहिए। जैसे कि सबके धर्म अलग अलग होते हैं तो उनके रीति रिवाज, उनकी सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो उनकी वे आदतें भी वहाँ पे इफ़ेक्ट करती हैं कि आपको क्या रीति रिवाज आपके हैं जिसके अकॉर्डिंग आप उनसे आप क्रय कर रहे हैं वस्तु का, जिससे कि आपको संतुष्टि मिल रही है, उपभोग मिल रहा है। तो ये भी बातों में ध्यान में रखकर ही वो वस्तु का क्रय करते हैं। नेक्स्ट आता है वस्तु प्रभावित वस्तुओं का उत्पादन। कुछ इफ़ेक्टिव वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है, जो व्यक्ति कंज्यूमर को इफ़ेक्टिव करती है वो चूज़ करता है। उसके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं कि उसको कौन सी चीज़ें लेनी ज़्यादा पसंद है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, क्रय करता है। और क्रय इसलिए करता है क्योंकि उसे उस वस्तु से संतुष्टि, जो वस्तु वो खरीद रहा है उसे उसको संतुष्टि प्राप्त हो। तो वो उत्पादन भी आपको वस्तु का इफ़ेक्ट करता है कि वो कैसे बना हुआ है, कैसी कैसी क्वालिटी है, क्या उसमें डिफरेंस आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर वो वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिससे कि आने वाले टाइम में वो आसानी से उसको क्वालिटी को, किस्म को, उसके मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वस्तुओं की, वो सबको ध्यान में रखकर ही इफ़ेक्टिव होता है। देन आता है सरकारी नियंत्रण। कुछ सरकारी नियंत्रण भी होते हैं, जो जैसे गवर्नमेंट की कुछ शॉपें होती हैं उन पे एक फिक्स रेट होता है जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा मार्केट होता है वो चलता है। जैसे आपने देखा होगा हमारा राशन होता है, गवर्नमेंट से जो राशन आता है तो उस पर क्या होता है, एक अनाज पे भी जैसे 10 रुपये किलो अनाज, चावल 5 रुपये किलो या 15 रुपये किलो, तो वो एक फिक्स टाइम फिक्स होता है कि आपको इतने किलो मिलेगा। अदरवाइज़ आप वैसे शॉप से लेने जाओगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो आपको चूज़ करना होता है कि आपको क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके ये मैटर करता है। तो आप जो आपकी जो गवर्नमेंट्स जो नियंत्रण होते हैं उनको भी ध्यान में रखकर आप क्या करते हो, उपभोक्ता का उपभोग कर, जो उपभोक्ता होता है वो वस्तुओं का उपभोग करता है। देन सेवन आता है उपभोक्ता की अज्ञानता एवं स्वभाव। उपभोक्ता को अज्ञानता एवं स्वभाव, जब व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है उसकी नॉलेज नहीं होती है तो वो क्या करता है, अधिक व्यय कर देता है वस्तुओं पर, जो उसके इनकम को भी इफेक्ट करती है। और इनकम को इफेक्ट इसलिए भी करती है क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर होता है उसकी वो नीड्स होती है, बट वो नीड्स से ज़्यादा पैसे दे रहा है किसी वस्तु को। जो वस्तु 100 रुपये की आनी थी वो उसको 150 या 200 में लेके आता है, तो उससे क्या होता है उसका जो मनी होती है वो वेस्ट हो जाती है। और उसको वस्तु खरीदते टाइम या उसको जब वो ख़राब निकल जाती है उसको अपने अधिकार का भी, राइट्स का भी नहीं पता होता, जिसके अकॉर्डिंग उसमें अज्ञानता का भी अभाव पाया जाता है।
और कुछ व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता है कि कुछ वस्तु खराब निकल गई, सो निकल गई, छोड़ो और खरीद लेंगे, तो उससे भी क्या होता है, वो भी एक अज्ञानता का फैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप अपने राइट्स, जो आपको राइट्स पता है, आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो। तो वहाँ पर जब कंज्यूमर जो वस्तु का क्रय करता है और क्रय करता है, तो तब करते टाइम उसको सारी जानकारी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही वो उस पर इफेक्ट करना चाहिए, और वही उसके स्वभाव के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रदर्शनी प्रभाव, आपने देखा होगा मेलों में प्रदर्शनी लगती है, या आपने देखा मुजफ्फरनगर में फेयर लगता है ना, फेयर मीन्स मेला लगता है यहाँ पे, तो वो क्या कहते हैं, वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट लगाए जाते हैं, आपके वुड प्रोडक्ट खरीदे हो वो अलग, आप अचार मुरब्बों का इंस्टॉलमेंट अलग होगा, कपड़ों का अलग होगा, आपके शूज़ का अलग होगा, आपका ज्वेलरी का अलग होगा, आपका क्लोथ का अलग होगा, सर्दी के क्लोथ का अलग होगा, आपके पोट वगैरह होते हैं होम डेकोरेशन के जो होते हैं उनका अलग होगा। तो प्रदर्शनी भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है हमारे उपभोक्ता को, जिससे कि वो वस्तु लेने में उत्सुकता होती है, और उसमें फिक्स डेट आपके फिक्स रेट भी होते हैं, जिससे कि कंज्यूमर उसको आसानी से खरीद भी सकता है। तो हमारा प्रदर्शनी का प्रभाव भी हमारे उपभोक्ता पे पड़ता है, वस्तुओं पे पड़ता है, जो वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करता है। तो आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही हमारा जो कंपनियाँ होती है वो प्रदर्शन पर भी डालती है, जिससे कि कंज्यूमर इफेक्टिव हो, उनको नॉलेज मिले और वो उनका प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके।